सीरियल नामकरण में अवनी को मिलती है दया की रिकॉर्डिंग, जिसमें वो कन्फेस करती है कि उसी ने आशा को जान से मारा है। सीरियल नामकरण में चल रहा है बहुत सारा ड्रामा। शो में अवनी लगी हुई है दयावंती मेहता के अगेंस्ट प्रूफ ढूंढने में कि वो ये प्रूफ कर पाए कि दया ने ही उसकी माँ को मारा है। लेकिन दयावंती मेहता हर बार उससे एक कदम आगे रहती है। हर बार वो अवनी को जो भी सबूत मिलता है वो उसको मिटा देती है। अवनी के साथ अलादीन और अली भी है जो उसकी मदद कर रहे हैं इस प्रूफ को ढूंढने में। हर बार नाकामयाबी पाने के बाद अवनी बहुत अपसेट हो चुकी है, क्योंकि इस बार दयावंती मेहता ने नीला को आशा के खून के इल्जाम में फंसा दिया है, और अगर अब उसे दयावंती के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो नीला को जेल भेज देगी। इस बार अवनी, अली और अलादीन ने बनाया है एक और प्लान दयावंती को पकड़ने के लिए, और इस बार उन्हें पूरा यकीन है कि उनका ये प्लान फ्लॉप नहीं होगा। अवनी मेहता हाउस में एक कैमरा लगा देती है जिससे वो दया की रिकॉर्डिंग बना सके और उसका क्राइम कन्फेस करा सके। कैमरा लगाने के बाद अवनी दया को भड़काती है कि वो ये कबूल कर ले कि उसी ने आशा को मारा है, क्योंकि वो आशीष की जिंदगी से आशा को हमेशा हमेशा के लिए निकालना चाहती थी। अब ये प्लान अवनी का कामयाब होता है या नहीं, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। सीरियल नामकरण में अवनी को मिलती है दया की रिकॉर्डिंग, जिसमें वो कन्फेस करती है कि उसी ने आशा को जान से मारा है। सीरियल नामकरण में चल रहा है बहुत सारा ड्रामा। शो में अवनी लगी हुई है दयावंती मेहता के अगेंस्ट प्रूफ ढूंढने में कि वो ये प्रूफ कर पाए कि दया ने ही उसकी माँ को मारा है। लेकिन दयावंती मेहता हर बार उससे एक कदम आगे रहती है। हर बार वो अवनी को जो भी सबूत मिलता है वो उसको मिटा देती है। अवनी के साथ अलादीन और अली भी है जो उसकी मदद कर रहे हैं इस प्रूफ को ढूंढने में। हर बार नाकामयाबी पाने के बाद अवनी बहुत अपसेट हो चुकी है, क्योंकि इस बार दयावंती मेहता ने नीला को आशा के खून के इल्जाम में फंसा दिया है, और अगर अब उसे दयावंती के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो नीला को जेल भेज देगी। इस बार अवनी, अली और अलादीन ने बनाया है एक और प्लान दयावंती को पकड़ने के लिए, और इस बार उन्हें पूरा यकीन है कि उनका ये प्लान फ्लॉप नहीं होगा। अवनी मेहता हाउस में एक कैमरा लगा देती है जिससे वो दया की रिकॉर्डिंग बना सके और उसका क्राइम कन्फेस करा सके। कैमरा लगाने के बाद अवनी दया को भड़काती है कि वो ये कबूल कर ले कि उसी ने आशा को मारा है, क्योंकि वो आशीष की जिंदगी से आशा को हमेशा हमेशा के लिए निकालना चाहती थी। अब ये प्लान अवनी का कामयाब होता है या नहीं, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।